जो है वो तेज हो गई है और सूत्रों का यह दावा है कि आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है और एनआईए की टीम आज दोपहर तक गांदरबल भी पहुंच सकती है। आपको बता दें कि इस बीच सूत्रों ने यह दावा किया है इस कायराना हमले के पीछे के आतंकी संगठन टीआरएफ का हाथ है और इसके पीछे टीआरएफ प्रमुख शेख सज्जाद गुल का हाथ है जो इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गांदरबल में हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले को कायराना बताया है और अमित शाह के कहबा के आतंकी बचेंगे नहीं, उन पर कठोर प्रहार जो है किया जाएगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एलजी ने कहा कि आतंकियों पर कार्रवाई के लिए सेना पुलिस सीआरपीएफ को खुली छूट है। तो बड़ी जानकारी, गांदरबल में जिस हिसाब से आतंकी हमला हुआ, 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई, उसके बाद से अब इस पूरे मामले की जांच और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। और आपको बड़ी अपडेट दे दें कि यह भी कहा गया है, एलजी ने कहा है कि आतंकियों पर कार्रवाई के लिए सेना पुलिस सीआरपीएफ को पूरी तरीके से खुली छूट है। तो गांदरबल में आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई। आतंकियों ने एक योजना से जुड़े लोगों पर जो है हमला किया और गृह सचिव ने काउंटर ऑपरेशन की जानकारी दी है। बस पूरे मामले की जांच और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि यह बड़ा आतंकी हमला है जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं, उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हौसले इस हादसे को बर्दाश्त करें, जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है, हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले से जुड़ी 5 तस्वीरें अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, जहां सुरंग में हमले के बाद 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। आप देखिए जो है गांदरबल में किस हिसाब से आतंकी हमला हुआ, 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अब सर्च ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है और जो लोग घायल है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बल को खुली छूट दे दी गई है। कायराना हरकत जो है ये बताया गया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आतंकी हमला जो है किया गया है और तस्वीरें अलग अलग आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस हिसाब से सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं। जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सुरक्षा बल को पूरी तरीके से खुली छूट दे दी गई है। 7 लोगों की मौत की खबर जो है सामने आई है। गांदरबल में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद से अलग अलग तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही हैं, उसमें देखने को मिल रहा है कि सर्च ऑपरेशन पूरी तरीके से तेज कर दिया गया है। तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं ये अस्पताल की तस्वीर भी सामने आई है। जो लोग घायल है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सुरक्षा बल को खुली छूट भी पूरी तरीके से दे दी गई है और कहा यह जा रहा है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे गांदरबल में हुई नापाक साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के हवाले से रविवार को हुए कश्मीर आतंकी हमले में बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। पाकिस्तान में बैठा टीआरएफ प्रमुख शेख सज्जाद गुल का गुट इस हमले का मास्टरमाइंड है। उसी गुट के इशारे पर टीआरएफ का ये लोकल मॉड्यूल हुआ सक्रिय, जिसने पहली बार कश्मीरी और गैर कश्मीरी लोगों को एक साथ निशाना बनाया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले में जो है अपडेट निकल करके सामने आई है और पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान में बैठा टीआरएफ प्रमुख शेख सज्जाद गुल का गुट जो है इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और उसी गुट के इशारे पर टीआरएफ का ये लोकल मॉड्यूल सक्रिय हुआ, जिसने पहली बार कश्मीरी और गैर कश्मीरी लोगों को एक साथ निशाना बनाया है। जैसे ही 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई, इस पूरे मामले की जांच और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान जो है तैनात है और इस पूरे मामले में जो है ये बड़ा खुलासा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि नापाक साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के हवाले से जो है ये बड़ी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में बैठा टीआरएफ प्रमुख शेख सज्जाद गुल का गुट इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।